22 जनवरी का दिन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐतिहासिक होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी विधायक और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ललिता यादव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर 22 जनवरी को शासकीय छुट्टी की मांग की है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सभी लोग भागीदार बने, इसके लिए छतरपुर की भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री ललिता यादव ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लेकर मांग की है कि इस दिन मध्य प्रदेश सरकार शासकीय छुट्टी की घोषणा करे, जिससे सरकारी कर्मचारी और बच्चे इस दिन उत्साह से 550 साल बाद हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान पूजा पाठ कर खुशियां मना सकें। हमारे शासकीय कर्मचारी हैं और हमारे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको अवकाश प्रदान करें ताकि उस पल के साक्षी वो भी बन सकें। वो भी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घर घर दीप जलाना है, दिवाली मनाना है, हमें बड़े हर्षोल्लास से इन 22 तारीख को मनाना है, तो वो भी इन पलों के साक्षी बने। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिख के अनुरोध किया है, निवेदन किया है कि उस दिन शासकीय अवकाश घोषित किया जाए, ताकि जिनके सबके दिलों में शासकीय कर्मचारी बच्चों के दिलों में भगवान राम के प्रति जो अटूट श्रद्धा है, उस पल के वो साक्षी बने और उसका आनंद भी वो ले सकें, उसमें पूजा पाठ में शामिल हो सकें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।